जस्ट गुड मॉर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आज हम बोलने जा रहे हैं, सभापति राज्यसभा। सभापति राज्यसभा है जगदीप धनखड़, उप सभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह, अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। ये पूछा जा सकता है कि ओम बिरला कैमा लोकसभा अध्यक्ष है, तो ओम बिरला है 17वां लोकसभा अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 25वां है। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। वायुसेना अध्यक्ष बी आर चौधरी, नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार और थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे और CDS है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कैबिनेट सचिव कौन है भारत के? कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा और सलाहकार प्रधानमंत्री तरुण कुमार। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन और राजस्व सचिव है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्ष नीति आयोग, प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन कुमार बैरी। नीति आयोग CEO BR सुब्रमण्यम। अध्यक्ष संघ लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा आयोग डॉक्टर मनोज सोनी। 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंस राज गंगाराम अहिर और कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एम किशोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको द हिंदू से लिया गया है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदू में है, इसको आपको समझना है। देख लीजिए, इंटरनेट शटडाउन 2022 में सबसे अधिक कौन देश किया? तो इंटरनेट शटडाउन दुनिया में सबसे अधिक टॉप पर रहा इंडिया। 2022 में इंडिया ने 84 बार इंटरनेट शटडाउन किया। सेकेंड में रहा यूक्रेन, थर्ड में रहा ईरान। यूक्रेन किया 22 बार इंटरनेट को शटडाउन। ईरान किया 18 बार इंटरनेट को शटडाउन। म्यांमार किया 7 बार इंटरनेट को शटडाउन। इथियोपिया लंबे समय से इंटरनेट के शटडाउन किए हुए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में 49 बार इंटरनेट के शटडाउन किया गया। तो प्रश्न होता है कि इंटरनेट का शटडाउन क्यों किया जाता है? जब कोई विवाद हो जाता है, जब कोई दंगा हो जाता है, दंगा फैले नहीं, विवाद अधिक नहीं हो, जिस कारण इंटरनेट का शटडाउन किया जाता है। दंगा के समय और विवाद के समय अगर इंटरनेट को बहाल किया जाए तो ऐसे स्थिति में दंगा भड़कने की बहुत प्रबल संभावना रहती है। सरकार सबसे पहले कदम उठाती है इंटरनेट को शटडाउन करने का। और वर्ल्ड में सबसे अधिक इंटरनेट का शटडाउन भारत में हुआ है। तो फिर इंटरनेट का शटडाउन करेगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बुरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, अभी टोटल बहुत सारी बात होती है ऑनलाइन के माध्यम से होता है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास जोर पकड़ा है COVID-19 के बाद। ऑनलाइन क्लास के दौरान अगर इंटरनेट सेवा बंद हो जाती है तो ऐसे स्थिति में क्लास में बाधा होगा। ई बिजनेस इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी जोर पर है। ई बिजनेस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा।
अगर ई बिजनेस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, देश की आर्थिक स्थिति पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे जीएसटी के कलेक्शन की मामला हो, चाहे कोई भी व्यापार होता है, तो फोन पे के माध्यम से पैसा का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान कर दिया जाता है। अगर इंटरनेट सेवा बंद हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इकोनॉमिक में। इसके बाद हेल्थ में भी प्रभाव पड़ेगा। अभी बड़े बड़े डॉक्टर को जब नंबर लगाते हैं, ऐसे एम्स जैसे संस्थान में जब नंबर लगाया जाता है तो ऑनलाइन जैसे नंबर लगा देते हैं, चाहे जहाँ भी आप रहते हैं लोकल में, वहाँ भी नंबर जो लगता है बहुत सारे ऑनलाइन लगता है। अगर इंटरनेट सेवा बंद कर दिया जाए तो हेल्थ सेक्टर पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर इंटरनेट सेवा इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाए तो इंटरनेट को, लेकिन इंटरनेट को जो शट डाउन करना किया जाता है टेम्प्रोरी किया जाता है, और टेम्प्रोरी करने के बाद भी इसका इम्पेक्ट बुरा पड़ता है, तो है इंटरनेट शट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के शहर फुकुशिमा पर, जापान के वहाँ पर परमाणु अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर रेडियो वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत सारे पहले हादसा हुआ था, और फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत सारे पानी को घुस आया था, पानी भर आया था, और उस पानी में रेडियो एक्टिविटी तत्व आ गए थे, तो उस पानी को अभी तक भी स्टोर किए हुए है जापान, और उस पानी को समुद्र में छोड़ना चाहता है जापान, तो पानी को समुद्र में छोड़ना चाहता है जापान। वैसे स्थिति में बहुत सारे देश विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी तत्व से जो पानी है, अगर पानी को समुद्र में छोड़ा जाएगा तो पानी पॉल्यूशन होगा, जीव जंतु पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जापान स्वस्थ करता है कि हम पानी को छोड़ेंगे तो उसमें जो हानिकारक पदार्थ है वह हानिकारक पदार्थ को निकाल देंगे। इस कारण जो कि सुनामी आया था जापान में 2011 में, उसी समय आपको पानी न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुस गया था, और तब पानी क्या होता है रेडियो एक्टिविटी तत्व से मिल गया था, रेडियो एक्टिविटी था, जिस कारण कि पानी को स्टोर किया है, अब पानी को समुद्र में छोड़ना चाहता है जापान, लेकिन बहुत सारे देश इस पर विरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया और फ्रांस के संबंध में बतलाया गया है। अभी हाल फिलहाल में इंडिया के एस जयशंकर, जो इंडिया के विदेश मंत्री और फ्रांस के विदेश मंत्री की वार्ता हुआ है। अभी 14 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के यात्रा पर जा रहे हैं, क्योंकि फ्रांस में नेशनल डे परेड में भाग लेने के लिए, फ्रांस में नेशनल डे परेड हो रहा है, उस परेड में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 14 जुलाई को कहाँ जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं। तो फ्रांस और भारत के बीच जो संबंध है वह बहुत प्रगाढ़ संबंध है। इस संबंध को चर्चा कर दे, जब न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट जो 1998 में हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, पोखरण में हुआ था, और फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट की घटना को हम याद दिलाते हैं, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत पर बहुत सारे देश प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट पर फ्रांस का देश था, वह कुछ देश भारत को समर्थन किया था, उसमें फ्रांस भी न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत को समर्थन किया था। फ्रांस के साथ व्यापार के क्षेत्र में भी हमें एग्रीमेंट है, और व्यापार के क्षेत्र में भी हम किसी वस्तु को आयात करते हैं, फ्रांस हमारे यहाँ से भी किसी हम निर्यात नहीं करते, दोनों फ्रांस के साथ करते हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी फ्रांस के साथ हमारा गुड संबंध है, हम जो भी रक्षा को करें, जो 36 रफेल लाया गया था, कहाँ से लाया गया था, फ्रांस से लाया गया था, अब फ्रांस ने हमें 36 रफेल दिया था। बहुत सारे जो है प्रेसपात हो चाहे वेपन हो, फ्रांस से हम प्राप्त करते हैं, तो रक्षा के क्षेत्र में भी
फ्रांस हमें सपोर्ट करता है। फ्रांस और भारत के बीच एक्सरसाइज भी होता है, जैसे कि शक्ति, भारत शक्ति एक्सरसाइज शक्ति या आर्मी का एक्सरसाइज है, भारत और फ्रांस के बीच है। वरुण एक्सरसाइज या नेवी का एक्सरसाइज है, फ्रांस और भारत के है। गरुड़ एक्सरसाइज एयरफोर्स के बीच है, भारत और फ्रांस के बीच है। यानी कहने का मतलब तीनों सेना, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेनाओं का क्या होता है, फ्रांस और भारत के साथ एक्सरसाइज होता है, जिस कारण कि हम भारत पर, भारत और फ्रांस के भी प्रगाढ़ संबंध है। क्लाइमेट चेंज पर भी जो इस बार दोनों 14 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जो वहाँ जाएंगे नेशनल पैरेड डे पर भाग लेने के लिए फ्रांस में, तो लगता है कि व्यापार पर, क्लाइमेट चेंज पर और साइबर सिक्योरिटी पर फिर वार्ता होगी। यही यहाँ पर चर्चा किया गया है, साइबर सिक्योरिटी पर भी वार्ता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है, नेक्स्ट एनसीपी दिल्ली मीटिंग एक्सपेल्स अजीत पवार 11 अदर फ्रॉम पार्टी। अजीत पवार को जो पार्टी से निकाल दिया गया, अजीत पवार पार्टी से निकाले गए, इस पर दिल्ली में मीटिंग हुआ शरद पवार के साथ, शरद पवार ने अपने पार्टियों के साथ किया। नेक्स्ट एज इनवॉइस से G20 समिट इज ए की इवेंट रशिया, पुतिन विजिट नाउ ए पॉसिबल। G20 के सम्मेलन में रशिया भारत आ सकता है, विजिट कर सकता है, क्योंकि जी ट्वेंटी मीटिंग का अध्यक्षता इस पर भारत कर रहा है। प्रोटेस्ट इन श्रीनगर ओवर ऑफ एसेंशियल फॉर स्मार्ट पावर मीटर के खिलाफ श्रीनगर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि स्मार्ट पावर मीटर को नहीं लगाया जाए। इसके लिए स्मार्ट पावर मीटर जानते ही हैं, यह सुविधाजनक भी मीटर है। किसी भी चीज़ को जब लॉन्च किया जाता है तो शुरू में विरोध किया जाता है, फिर बाद में उसको समर्थन किया जाता है, तो स्मार्ट पावर के मीटर के हिस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डार्क पैटर्न के हिस्से में यहाँ पर चर्चा किया गया है, डार्क पैटर्न के हिस्से में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPs वॉक आउट द पैनल ऑफ चेयर डिस्लो डेबिट डिबेट ऑन मणिपुर। MP क्या है वॉकआउट किए, मणिपुर के जो डिबेट होने वाला था उस पर 60 ईयर्स ओल्ड वुमेन शूट डेड ऑफ इम्फाल वेस्ट। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, 62 वर्षीय महिला को मार दिया गया। इम्फाल में जातीय तनाव बहुत दिन से है, किसमें, कुकी और मेथी के बीच। आपको इस पर कितना बार आपको बता दी है, लेकिन फिर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इम्फाल में कुकी जनजाति है और वहाँ पर मेथी है, मेथी की जनसंख्या शेड्यूल्ड कास्ट के हैं। अब मेथी शेड्यूल्ड ट्राइब में आना चाहते हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब में आने के लिए मेथी की जनसंख्या 53% है। तो कुकी जनजाति की जो पहले से शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जा दिए गए हैं कुकी जनजाति को, वह विरोध करते हैं क्योंकि उसकी हकमारी होगी, क्योंकि 53% है, 53% है, आप 53% आएंगे तो उनकी हकमारी होगी। यही यहाँ पर चर्चा किया गया है, जिसमें 62 वर्ष ओल्ड महिला जो है उसको शूट कर दिया गया। क्या 62 ईयर्स ओल्ड वुमेन शूट डेड इन इम्फाल वेस्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट टू हेयर दिल्ली गवर्नमेंट चैलेंज टू ऑर्डिनेंस 10 जुलाई। जो सुप्रीम कोर्ट एग्री टू हेयर, सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है दिल्ली गवर्नमेंट चैलेंज द ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस लाई है केंद्र सरकार, वह ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। जो ऑडियंस आने वाला है, ऑडियंस राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत ला सकता है, ऑडियंस राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत ऑडियंस संसद में किस तरह, आर्टिकल कितना के तहत आ सकता है, 120 अध्यादेश जिसको कहते हैं, 123 के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है। और राज्य में अध्यादेश 213 के अंतर्गत। मेरे दोस्त, मैंने
द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डाला। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, लाइक के साथ सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।